नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूँ। आज हमारा विषय है कर्क लगन में केतु अष्टम भाव में हो तो वह जातक को कैसे फल देगा। कर्क लगन में अष्टम भाव में केतु कुंभ राशि में स्थित होगा, जो केतु की मित्र क्षेत्रीय राशि है। यहाँ बैठे केतु की दृष्टि धन स्थान पर दूसरे भाव पर पूर्ण रूप से पड़ेगी। ऐसे जातक को स्वास्थ्य से संबंधित कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। केतु की यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जातक को कुछ ना कुछ रोग बना रहेगा। जातक अनीति से धन कमाने का प्रयत्न करेगा। शाम दाम दंड भेद की नीति से धन को कमाना चाहेगा। मौका मिले तो उसको छोड़ेगा नहीं, परंतु इन सब के बावजूद भी जातक को सफलता बराबर नहीं मिलती। कमाएगा परंतु धन खर्च से जातक परेशान रहेगा। जातक को सलाह दी जाती है कि वह किसी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करे। घर परिवार कुटुंबीजन मित्र कोई भी विश्वासघाती साबित हो सकता है। लाख प्रयत्न करने पर भी शत्रुओं पर विजय नहीं मिलती। जब अष्टम भाव में केतु स्थित होता है तो प्रियजनों से कलेश कलह उत्पन्न होते हैं बिना किसी कारण के। जातक को दुर्घटना या किसी चोट लगने की संभावना रहती है। शस्त्र चोट भी लगने की संभावना रहती है। केतु की यह दशा अच्छी नहीं है, साथ ही केतु अपनी महादशा में अशुभ फल ही देगा। यदि अष्टम भाव में केतु के साथ सूर्य बैठा है या सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो जातक जीवन में धन एकत्रित करने के विषय में बड़ा कष्ट उठाएगा। जातक को शल्य चिकित्सा अवश्य बनती है। नेत्र में विकार बनता है। यदि केतु के साथ चंद्रमा स्थित है या चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है तो जातक की माता बीमार रहेंगी। जातक को मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिलता। यदि केतु के साथ मंगल स्थित है या मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे जातक को विद्या प्राप्ति में संघर्ष करने पड़ते हैं। विवाह संबंधी समस्या का सामना भी करना पड़ता है। यदि केतु के साथ बुध स्थित है या बुध की दृष्टि पड़ रही है तो जातक धन ऐश्वर्य से संपन्न होगा, परंतु मान सम्मान पराक्रम भंग होने का भय रहता है। यदि केतु के साथ गुरु स्थित है या गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है तो भी जातक धन ऐश्वर्य से संपन्न रहेगा, परंतु सफलता कभी भी पहले संघर्ष में नहीं मिलेगी। कई संघर्ष करने के बाद जातक को सफलता मिलती है। मेहनत करनी पड़ती है, काम में जुटा रहना पड़ता है। यदि यहाँ केतु के साथ शुक्र स्थित है या शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो जातक को जीवन में कोई गुप्त रोग बनने की संभावना रहती है। जातक अपनी ही वाणी के कारण शत्रु उत्पन्न कर लेता है। यदि केतु के साथ शनि स्थित है या शनि की दृष्टि पड़ रही है कोई सी भी तो जातक के विवाह में विलंब उत्पन्न होता है। गृह सुख में कुछ ना कुछ न्यूनता बनी रहती है। ऐसा जातक बेशक ऐश्वर्य संपन्न वैभवशाली जीवन जी ले, परंतु गृहस्थ सुख से परेशान रहेगा। बात आती है कि यदि अष्टम भाव में केतु स्थित है तो उसकी अशुभता को कैसे दूर किया जाए। पहली बात, आप काला कुत्ता पालें और उसकी सेवा करें। दूसरा, कान छिदवा कर सोने का आभूषण पहन लें, आपके लिए केतु शुभ फल देने शुरू कर देगा। यदि आप घर बैठे अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं बृहद तौर पर तो मैंने संपर्क सूत्र दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं और छोटा सा शुल्क अदा करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल
सब्सक्राइब करें यदि आपको मेरी बात बताई भी पसंद आती है। इजाज़त चाहूँगा, धन्यवाद, जय श्री राम।